स्टार प्लस पर कोई ऐसा सीरियल है जो दर्शकों के दिलों पर आज से नहीं बिल्कुल बहुत लंबे समय से राज कर रहा है, तो वो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसमें काम करने वाली सारी अभिनेत्रियां दर्शकों को अपनी सी लगती हैं, जिनके लुक और गजब के डायलॉग पर तो पूरा हिंदुस्तान फिदा है। और यही अभिनेत्रियां सीरियल में एक प्यारी और संस्कारी बेटी का फर्ज निभाकर लाखों दिलों की धड़कन भी बन गई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीरियल में ही नहीं बल्कि अभिनेत्रियां असल जिंदगी में भी अपने रिस्पॉन्सिबल फादर की प्यारी बेटियां हैं, जिन्हें अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार है। वहीं इनके पापा अपनी लाडली बेटियों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल में दिखाई दी 10 अभिनेत्रियों के रियल लाइफ प्यारे प्यारे पापाओं से। तो चलिए रूबरू होते हैं इन सभी अभिनेत्रियों के रियल लाइफ फादर से। नंबर 1, शिल्पा रायजादा। सुरेखा चाची बनकर चुगली करने वाली अभिनेत्री शिल्पा रायजादा के पिता इन्हीं की तरह मेहनती हैं, जो अब अपने काम से रिटायरमेंट लेकर घर पर क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं। ये अपने पिता के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, तभी तो ये अपने अच्छे पापा के लॉकडाउन में हेयर कट कर रही थी। और इन दोनों के बीच का प्यार देखकर सभी को इन बाप बेटे की जोड़ी सुपर से ऊपर लगी। नंबर 2, रेहा शर्मा। शो में बड़ी मिष्टी के किरदार में दिखाई दी अभिनेत्री रेहा शर्मा के पापा ने हमेशा ही इन्हें बचपन से एक राजकुमारी की तरह रखा है, तभी तो ये आज टीवी जगत में इतनी बड़ा नाम कमा पाई हैं। मगर इनके पापा को आज तक कभी भी लाइमलाइट में देखा नहीं गया, जिसके चलते इंटरनेट पर उनकी कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, पंखुड़ी अवस्थी। वेदिका बनकर शो में हंगामा मचाने वाली एक्ट्रेस पंखुड़ी अवस्थी के शांत नेचर के पिता संजय अवस्थी हैं, जो बहुत सिंपल पर्सन हैं। इसी के चलते वो लाइमलाइट की दुनिया से बहुत ही दूर रहते हैं और उनकी एक ही फोटो अभी तक इंटरनेट पर देखने को नहीं मिली है। नंबर 4, मोहना सिंह। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में समझदार कृति का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोहना सिंह के पिता महाराजा पुष्पराज सिंह रीवा के राजा है, जिनकी पर्सनालिटी सचमुच एक राजा वाली है। वहीं वो अपनी राजकुमारी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठा कर रखते हैं। नंबर 5, अश्नूर कौर। छोटी नायरा के रूप में आज भी अश्नूर कौर को काफी पैम्पर किया जाता है। वहीं ये अपने फादर गुरमीत सिंह की भी लाडली है, जो अपनी बेटी को फूलों की तरह रखते हैं। वहीं बात करें इनके पिता के पेशे के बारे में, तो मुंबई के अच्छे खासे बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 6, कृषिका मेहता। डॉक्टर रिद्धिमा के रूप में दिखाई दी अभिनेत्री ऋषिका मेहता ने अपने प्रोफेशन से शो में 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन अगर बात करें इनके पिता के बारे में, तो इनके पिता इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, जो इनसे बेहद प्यार भी करते हैं। वह इनके पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो टाइम निकाल कर अपनी बेटी से शूटिंग सेट पर कभी कभार मिलने भी आ जाया करते हैं। नंबर 7, रीम शेख। कभी सीरियल में प्रेरणा बनकर लोगों के चेहरे की मुस्कान बनने वाली अभिनेत्री रीम शेख के पापा समीर शेख पेशे से एक प्रिंटिंग शॉप के ओनर हैं, जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं रीम शेख अपने स्टाइलिश और डैशिंग फादर के साथ बहुत बोल्ड और कूल लगती हैं। नंबर 8, कांची सिंह। शो में गायों का सपोर्टिंग कैरेक्टर प्ले करने वाली अभिनेत्री कांची सिंह के पिता शो में नहीं दिखे थे, लेकिन इनके असली पिता इनके साथ कई बार चिल करते हुए दिख चुके हैं। पर इनके पापा पेशे से एक बिजनेसमैन हैं, जो दिखने में भी काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव हैं। नंबर 9, पारुल चौहान। पारुल चौहान ने इस शो में स्वर्णा गोयनका बनकर एक जिम्मेदार माँ का फर्ज निभाया है, मगर इनके फौजी पापा भी एक जिम्मेदार पिता हैं, जो अपनी बेटी के हर दुख सुख और खुशी में उनके साथ रहते हैं। तभी तो पारुल अपनी मम्मी से ज्यादा अपने पापा से प्यार करती हैं। नंबर 10, शिवांगी जोशी। फिलहाल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में सीरत का किरदार निभा रही अभिनेत्री शिवांगी जोशी के पापा का नाम सुमन प्रकाश है, जो अब एक रिटायर्ड आर्मी मैन है। वही इनके पापा सुमन प्रकाश के साथ ये काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, क्योंकि इनके पिता ने उन्हें इतना सपोर्ट किया है, तभी आज जाकर ये इतनी बड़ी सुपरस्टार बन पाई है।
तो दोस्तों, इन सभी अभिनेत्रियों में से किसके फादर दिखने में सबसे ज्यादा यंग और स्टाइलिश है, आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और भी मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।